आज 16 सितंबर 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का रिलैक्स। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में, स्वयं को अनुभव करेंगे कि मैं एक दिव्य चेतना हूँ, दिव्य प्रकाश हूँ, पवित्र लाइट हूँ, इस शरीर के मालिक हूँ मैं। पवित्रता के सागर, शिव बाबा की संतान, परम धाम निवासी हूँ। स्वयं को देखेंगे परम धाम में अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कि उस महाज्योति शिव बाबा के साथ मैं आत्मा परम धाम में निवास कर रहे हैं। शिव बाबा सुख का सागर है, शिव बाबा मुझे सुख से भरपूर कर रहा है, शिव बाबा से प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं सुख स्वरूप बनते जा रहा हूँ। हर आत्मा जो मेरे पास आती है बाबा के ये सुख के प्रकंपन अनुभव करती है, अपने आप शांत हो जाती है, सभी के दुख दूर होते हैं जो भी मेरे संबंध संपर्क में आते हैं। बाबा से सर्व ज्ञान गुण और शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैंने स्वयं को देखा कि मैं आत्मा पूर्ण कल्प में हीरो एक्टर हूं। परम धाम में मेरे जैसी चमक किसी की नहीं है। सतयुग और त्रेता युग में संपूर्ण पावन देवता आत्मा, द्वापर युग में और कलयुग में मेरे पूज्य स्वरूप की महिमा है, और अभी वर्तमान संगम युग पर हीरे तुल्य ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ। पूरे कल्प में मैं हीरो एक्टर हूँ। इस सदर्शन चक्र से कल्प कल्प मैंने माया का गला काट दिया है। मुझे अब वापिस वाणी से परे शांति धाम में जाना है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत प्रसन्न लग रहा है, मैं शांत हूँ, सुख स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे हैं कि बच्चे तुमने कल्प कल्प बाप की याद से अपने अंदर के सभी अवगुण निकाल कर अपने आप को सतो प्रधान बनाया है। तुम्हें भक्ति का फल परमात्मा प्राप्ति सर्वोच्च प्राप्ति हो चुकी है। तुमने बाप की श्रीमत के आधार पर चलकर अपना रजिस्टर साफ रखा है। तुम सर्वगुण संपन्न हो, माया जीत हो, और हमेशा वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित रहते हो, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ दुनिया के दुखों को दूर करो। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा धन्य हो गई। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा,
दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया अच्छा, ओम शांत।